सेलिब्रेशन हम यहाँ कर रहे हैं जो से, तो टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा इससे, लोग टूरिस्ट आएंगे, लोकल टूरिस्ट भी आएंगे, डोमेस्टिक आएंगे, इवन फॉरेनर्स भी आ सकते हैं। तो अभी तक होता था ये कभी कभी, गुलमर्ग में ज़्यादातर होता है विंटर में, तो इस साल हमने पहली बार यहाँ पहलगाम में किया। सब भाईचारे से रहो, बढ़िया लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा कि हम यहाँ पे आए हैं और सब लोगों ने बहुत ही बहुत ही बहुत कोऑपरेट किया है हमारे साथ, और हम चाहते हैं कि हम अपनी फैमिलीज़ के साथ भी आएँ, क्योंकि हमारे बहुत ही दोस्त हैं जिनके परिवार वाले ये नहीं चाहते कि ना वहाँ पे मत जाओ, वहाँ पे ये है, वहाँ पे डर जाओगे, वहाँ पे ये हो जाएगा, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली सब यहाँ पे आइए, कश्मीर में आइए, इंजॉय कीजिए, और जैसा हम इंजॉय कर रहे हैं भाई, वैसा हमारे सभी भाई हमारे पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, ऑल इंडिया से सभी यहाँ पे आएँ और खूब इंजॉय करें। चीफ मिनिस्टर महबूबा जी, हमने फैसला लिया था कि हम नए साल की आमद पर पहलगाम में, पहलगाम के इस नए क्लब में एक इवेंट मुनक्कद करेंगे, जहां हम साल 2017 को अलविदा कहेंगे और नए साल की खुशामद पर यहां एक जश्न मनाएंगे। मुझे खुशी है कि यहां पर जो हमारा कल्चरल प्रोग्राम हुआ और जिनको महकमा सयाहत और JKTDC की तरफ से जो फंक्शन हुए वो नहायत ही कामयाब रहे, काफ़ी लोगों का पार्टिसिपेशन रहा, नौजवानों का पार्टिसिपेशन रहा, और सबसे बढ़कर अच्छी तादाद है यहाँ पर सयाहों की, जो हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये सीज़न जो है अगला आने वाला साल हमारे लिए एक तो अमन का साल होगा और ये हमारे खुशी का साल होगा।